नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीइंग अवेयर में। आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थी के पांच गुण या पांच लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट फाइव क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट। परंतु वीडियो शुरू करें उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्लोक: काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यहाँ पर विद्यार्थी का अर्थ है कि विद्या का अर्जन करने वाला। विद्या अर्थात ज्ञान और अर्थी मतलब अर्जन। विद्या का अर्जन करने वाला विद्यार्थी। इस श्लोक में दिए गए पांच बिंदुओं का अर्थ है कि विद्या का अर्जन करने वाले के लिए यह पांच लक्षण उसके अंदर होना आवश्यक होते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी श्लोक के पांच बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम बिंदु, काक चेष्टा अर्थात, काक अर्थात कौवा, चेष्टा अर्थात ईगर। आप किसी चीज को करने के लिए या किसी वस्तु को पाने के लिए किस हद तक कार्य करने के लिए तैयार है, उसे ही यहाँ पर चेष्टा कहा गया है। और चेष्टा और जो ईगर है या किसी कार्य को करने के लिए जो क्यूरियोसिटी चाहिए, वो इस श्लोक में कौवे से कंपेयर की गई है। क्योंकि आप सभी ने कौवे की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें एक कौवा भरी गर्मी में लंबी दूर से दूरी तय करते हुए आता है तथा उसे भारी प्यास लगती है, भयंकर प्यास लगती है, और उसे एक पात्र दिखाई देता है जिसमें पानी भरा होता है, और वो जाता है और उस पानी को पीने की कोशिश करता है, परंतु वो पीने में असमर्थ होता है, उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती है। फिर वो रास्ता खोजता है, रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को प्याले के अंदर डालता है तथा पानी का लेवल ऊपर बढ़ाता है और पानी पीने का प्रयास करता है, और वह इस कार्य में सफल होता है। इसी तरह इंसान को भी या विद्यार्थी को भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक अपने अंदर ईगर, अपने अंदर क्यूरियोसिटी, अपने अंदर कोशिश करने की क्षमता को विकसित करना होता है। बको ध्यानम अर्थात, बको सारस को कहते हैं इंग्लिश में, जिसे क्रेन कहते हैं, और ध्यान का अर्थ है कंसंट्रेशन। हमारा अर्थात विद्यार्थी का कंसंट्रेशन सारस के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सारस नदी किनारे अपनी मछली का शिकार करने के लिए अपनी मछली के नज़र गड़ाए रहता है मछली के ऊपर, और किसी भी कंडीशन में उस पर से नज़र हटने नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी का भी कंसंट्रेशन या उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए तथा उस पर से ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तीसरा बिंदु आता है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा का अर्थ है कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। कुत्ते को आपने देखा होगा कभी सोते हुए या कभी गहरी नींद में भी सोते हुए देखा होगा, वो हल्की सी आहट भर से जाग जाता है। तो इंसान को भी या विद्यार्थी को भी कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए और कुत्ते जैसा अलर्ट होना चाहिए कि उसके क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी न्यू अपडेट आता है तो उसे फटाक से पता लग जाए और उसे एकदम कुत्ते जैसा अलर्ट होना चाहिए। यह विद्यार्थी का एक लक्षण होना चाहिए। चौथा बिंदु आता है अल्पहारी अर्थात, अल्प अर्थात कम और आहार अर्थात अन्न। विद्यार्थी को उसके जीवन में कम आहार लेना चाहिए, क्योंकि अधिक आहार लेना फायदेमंद नहीं होता है। यदि दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शरीर के हर अंग को विभिन्न कार्य दिए गए हैं, और वो जिस कार्य को करते हैं वह उसके लिए अन्न होता है, अर्थात आँखों के लिए देखना, नाक के लिए सूंघना, जबान के लिए बोलना, कानों के लिए सुनना। हमें यह सारे कार्य सीमित मात्रा में करना चाहिए। हमें अपने कार्य से संबंधित वस्तुओं पर ही या कार्य से संबंधित बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें अन्य दूसरा फालतू अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पांचवा तथा अंतिम बिंदु है ग्रह त्यागी। देखिए, ग्रह त्यागी का पूर्व समय में अर्थ ये था कि विद्यार्थी को गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था तथा वह अपने ग्रह का त्याग करता था। परंतु वर्तमान समय में इसकी जो
उपयोगिता है वो कुछ इस प्रकार है कि स्टूडेंट को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पढ़ाई करना है। गुरुकुल में विद्यार्थी इसलिए जाया करते थे ताकि माता पिता से दूर, सभी सुखों से दूर, अपना अलग जीवन व्यतीत करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इसी प्रकार विद्यार्थी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कार्य करना चाहिए। विद्यार्थी को बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं पढ़ना चाहिए और जो भी स्ट्रेट बैठकर पढ़ाई करना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कार्य करना चाहिए। कुछ सीखने के लिए इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयास करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।